हेलो भाई, आज हम आप लोगों को यूनिट ऑफ लेंथ लंबाई की इकाइयों के बारे में बताएंगे। जैसे अभी आपको बता रहे हैं फुट और इंच, गज और मील के बारे में क्या होता है, कितना होता है। जैसे आपका है एक फुट बराबर, देखिए एक फुट बराबर हमारा 12 इंच होता है। इसी प्रकार से एक गज बराबर हमारा 3 फुट या 2 हमारा है एक फलांग बराबर 220 गज। फिर इसके आगे देखिए एक मील बराबर 8 फलांग, एक मील इसके आगे। और फिर इसके बाद देखिए मात्रा की इकाइयां। ये आप हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, ये हो गया आपका लंबाई का। इसके बाद आपको बताते हैं मात्रा की इकाइयां। मात्रा की इकाइयां इसमें देखिए एक औस बराबर होता है 10 ग्राम। इसके बाद देखिए एक पाउंड के बराबर होता है 10 और फिर इसके बाद देखिए एक क्वार्टर बराबर होता है 28 पाउंड के। फिर इसके अलावा होता है आपका एक टन बराबर 20 हेंटेक वेट, एक टन बराबर होता है आपका। फिर इसके बाद देखिए आपका आता है समय की इकाइयां, आपका लंबाई पे हो गया, माप पे हो गया, अब देखिए समय की इकाइयां। एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है और इसके बाद होता है एक घंटा बराबर 60 मिनट। इसी प्रकार मापन की विधियां भी हैं, नापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं वो पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष तुलनात्मक। इसी प्रकार से रेखीय प्रसार, कोणीय प्रसार, त्रिज्या प्रसार, वो मापन की विधियां बता चुका हूँ। अब इसके आगे मैं समय की इकाई, लंबाई की इकाई और आपकी माप की इकाई भी आपको लिख करके बता दिए हैं। इसके बाद आगे देखिए आपका मापन की विधियां, मापन की कौन कौन सी विधियां। मापन की 3 प्रकार की विधियां हैं, एक आपके प्रत्यक्ष मापन नंबर 1 पे, ये हमारे 3 प्रकार की विधियां दी हैं। प्रत्यक्ष मापन सामने से मापने के लिए, अप्रत्यक्ष मापन जो अपनी स्वतः माप नहीं बताते हैं उनको दूसरे के द्वारा उनकी नाप ज्ञात करते हैं। फिर आपका आता है 3रे नंबर पे तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप क्या होता है, कोई भी पार्ट बना एक दूसरे से तुलना करना कि हाँ उसकी इतनी लंबाई होगी, उसी के अनुसार तुलना में नाप करना। ये 3 विधियां हैं, इन विधियों को बताता हूँ आपको कि किस तरीके से कौन सी माप करते हैं। आपका आता है पहले नंबर पे प्रत्यक्ष मापी, प्रत्यक्ष माप को किस प्रकार से नापते हैं और किस टूल्स के द्वारा इसको मापते हैं। इस विधि से किसी जाप या कार की माप सीधे स्टील रूल या बनियर कैलिपर्स, हाइट गेज या बनियर हाइट गेज के द्वारा या माइक्रोमीटर के द्वारा इस प्रकार की माप ली जाती है। जो प्रत्यक्ष मापी, प्रत्यक्ष जो माप होती है जिस टूल से लेते हैं उसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, जिससे कि मापते समय हम प्रत्यक्ष रूप से, अब जिस प्रकार से ये हमारा कोई पाइप है इसकी बाहरी माप लेने के लिए स्टील रूल के द्वारा या बनियर हाइट गेज के द्वारा या माइक्रोमीटर के द्वारा इसकी माप प्रत्यक्ष रूप से हम ले सकते हैं जिस टूल्स में इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होंगे। इसके बाद हमारा आता है अप्रत्यक्ष माप, ये हमारा अप्रत्यक्ष माप है। इस विधि से किसी जाप या कार्य की माप
पहले कैलिपर्स के बाहरी भीतरी सहायता से ली जाती है, फिर इस माप को स्टील रूल की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मापी विधि कहते हैं। देखिए, जैसे हमारा हार्डले कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है या आउटसाइड कैलिपर होता है, या हमारा ट्राई स्क्वायर होता है। तो इसके लिए अब हमें जैसे इस ये हमारा हार्डले कैलिपर हुआ, इसके द्वारा हमें इस गोले का व्यास लगाना है, इसकी इतनी त्रिज्या है। तो पहले हम इसकी त्रिज्या इतनी भरेंगे और उसको नाप लेंगे कि ये हमारी त्रिज्या 4 mm है कि 5 mm है। नापने के बाद में ही हम गोला बना सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से अपनी माप नहीं ले सकता, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मापी टूल्स कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा तुलनात्मक। तुलनात्मक में क्या है, जैसे ये हमारा पाइप का मोटाई दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हमारा 10 mm या 20 mm मोटा पाइप है, इसकी तुलना एक दूसरे पाइप से करते हैं, वो हमारा तुलनात्मक माप आता है। देखिए, तुलनात्मक माप में इस विधि में किसी जाप या कार्य की माप की जांच किसी मास्टर जाप से तुलना करके की जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक माप कहते हैं। इस माप के लिए हम एक आधार बना लेते हैं। आधार बनाने के बाद इस जाप से माप करते हैं, तुलना करके बनाते हैं। फिर आता कोणी मापन, अगली हेडिंग है कोणी मापन। देखिए, अब कोणी मापन पे इसमें क्या है, डिग्री या रेडियस। कोणी मापन के द्वारा निम्नलिखित 2 इकाइयां होती हैं, डिग्री या रेडियस। नंबर 1 पे डिग्री। देखिए, दो प्रकार से मापे लेते हैं, डिग्री या रेडियस, डिग्री या रेडियस। इस प्रकार की मापे डिग्री में लेने पर, अभी हमारा डिग्री में आपको बता रहे हैं किस प्रकार से माप लेते हैं। यदि किसी वृत्त को 360 बराबर भागों में विभाजित किए जाए तो प्रत्येक भाग का माप 1 degree मान लिया जाता है। अब ये हमारा वृत्त है, इसको बराबर भागों में डिवाइड करना है, बराबर भागों में बांटना है। तो इसके बांटने के लिए जो एक इस यहाँ से यहाँ तक का भाग होगा उसको 1 degree मान लेंगे। मानने के बाद सारे उतने ही नाप के पूरे वृत्त में चाप लगा देंगे, इतना नाप लेंगे कि कितने डिग्री है, अब बस यहाँ रख के ऐसे नोक बस ऐसे पूरे भागों में लगाते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसी तरह से वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग 90 degree का होगा। इस प्रकार चौथे भाग को समकोण कहते हैं। यदि प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 minute के बराबर होगा। फिर यदि प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 second के बराबर आपका ये होगा। इसके बाद देखिए रेडियस की, रेडियस क्या है, रेडियस के बारे में आपको बता रहे हैं। रेडियस वो कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है। ये हमारा वृत्त होगा, वृत्त के अंदर जो हमारी त्रिज्या उसकी लंबाई के बराबर जो बनता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है, यहाँ पे लंबाई से चाप इस तरीके से कटिंग करते हैं, ये ऐसे कटिंग करते हैं जो बनता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। 1 radius बराबर 57 degree के लगभग होता है, 1 radius बराबर 57 degree के लगभग होता है। तापन तथा मापन, तापन क्या होता है, तापना गर्म करना होता है, हीट करना होता है, मापना किसी टूल्स के द्वारा मापने की क्रिया को मापन कहते हैं और गर्म होने की क्रिया को तापन कहते हैं। तापमान का मापन, अब तापमान चेक करते हैं कि कितने सेल्सियस या कितने डिग्री में हम इसको गर्म किए हैं, उसी हिसाब से उसको ठंडा करते हैं।
तो वाई सेंटीग्रेड में कितने सेंटीग्रेड तापमान में इसको गर्म किए हैं, तो हमारा वाई है तापमान का मापन, तापमान को मापना कितने सेंटीग्रेड या कितने सेल्सियस सेंटीग्रेड इसका तापमान है, नापने की विधि कैसे नापते हैं। तापमान किसी वस्तु की तापीय अवस्था को एक संख्या में सूचित करता है, अर्थात तापमान वो संख्या होती है जो किसी माने हुए पैमाने पर तापमान के मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप नापने के लिए जिस युक्ति का या जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। मापने के अनुसार तापमापी चार प्रकार के होते हैं। एक लिखिए सेंटीग्रेड तापमान, नंबर एक में होता है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में हो गया, फारेनहाइट में हो गया, इसके बाद हमारा आता है केल्विन, नंबर तीन पे केल्विन, नंबर चार पे रिम्यूडर, देखिए सेंटीग्रेड में हो गया तापमान, फारेनहाइट में तापमापी, केल्विन तापमापी, रेउमार तापमापी, ये चार प्रकार से हमारे तापमापी हैं, चार प्रकार से तापमान लिया जाता है। इसके बाद देखिए हमारा आता है ताप मापने के लिए सेंटीग्रेड में, नंबर एक पे हमारा आता है सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में तापमान मापने के लिए इस पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक 0 सेंटीग्रेड और क्वथनांक 1000 सेंटीग्रेड है। इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी इस पैमाने पर पढ़े गए तापमान को लिखते समय सेंटीग्रेड लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे हमारा हुआ 52 जैसे हैं 52 सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम सी का निशान लगाते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सेंटीग्रेड में तापमान है, इसको पढ़ेंगे 52 सेंटीग्रेड तापमान है। जिस इस अक्षर यहाँ नहीं लिखा होगा तो इसे यहाँ पे एफ लिखा होगा, सी की जगह में यदि एफ होगा तो फारेनहाइट में होगा, सी लिखा होगा तो सेंटीग्रेड में है, एफ लिखा होगा तो फारेनहाइट में है, इसलिए जिससे ताप नापते हैं वहाँ पे उसका निशान जरूर बना देते हैं जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी रहती है। अब देखिए हम फारेनहाइट की बात कर रहे हैं, फारेनहाइट का तापमान लिखने के लिए इस पैमाने में पानी का हिमांक बिंदु 32 फारेनहाइट और क्वथनांक बिंदु 212 होता है, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है। इस पैमाने पर पढ़े गए तापमान को लिखते समय उसके मान के बाद एफ लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे हमारा 42 हुआ, जैसे 42 फारेनहाइट, जब हम फारेनहाइट में लिखेंगे तो हमारा एफ यहाँ पे बनाएंगे जिससे पता चलता है कि हमारा 42 जो तापमान है फारेनहाइट में है। फिर इसके बाद आता है हमारा केल्विन, केल्विन के लिए देखिए, केल्विन के लिए हमारा आता है तापमान में इकाइयों की दूरी इकाई से बदलने का सामान्य सूत्र है हमारा C बराबर
सी बराबर फारेनहाइट 32 बटे 180। इस प्रकार से सूत्र के सहारे, चाहे सेंटीग्रेड में हो या फारेनहाइट में या केल्विन में या रिडूमर में, तो इसका निकाल लेते हैं कि किस तरीके से पूरा हमारा कि फारेनहाइट में है कि केल्विन में है कि सेंटीग्रेड में, ऐसे निकाल लेते हैं सूत्र के सहारे। इसके बाद अब आपका आता है साधारण मापक उपकरण। इसके बाद में आपका साधारण मापक उपकरण, इसमें आपका आता है कुछ उपयोगी साधारण मापक औजारों का दिया गया है कि किस प्रकार से किन किन औजारों से हम माप सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका आता है रूल। रूल से किस तरीके से हम नापते हैं आपको बता रहे हैं। ये लकड़ी अथवा धातु का बना एक मापक उपकरण होता है। ये जिस पदार्थ का बना होता है इस पर उस पदार्थ का नाम लिखा होता है। इसके लिए प्रत्येक कंपनी का मान संयोजक होता है, जिसके कारण कंपनियां रूल पर इंच अथवा सेंटीमीटर में भागों में चिन्हित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका इस्पात का रूल या लकड़ी का रूल और पीतल का रूल आदि, फाइबर का भी बना होता है प्लास्टिक का, इसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष मापी टूल्स है। इससे किसी भी जाप या किसी भी टूल्स की लंबाई या चौड़ाई या मोटाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं स्टील रूल के द्वारा। फिर आपका आता है स्टील रूल के द्वारा ये आपका वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका प्रयोग कार्यशाला में जाप अथवा कार्य की माप जांचने में किया जाता है। इस प्रकार इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसको 1/8 भाग या 1/16 भागों में डिवाइड भागा बांटा जाता है। जो हमारा रूल्स होता है वो हमारा लकड़ी का या प्लास्टिक का या फाइबर का बना होता है, जिसका केवल प्रयोग लाइन खींचने में और ड्राइंग बनाने में काम करते हैं। और इसके बाद जो हमारा स्टील रूल होता है, स्टील रूल का स्प्रिंग स्टील के द्वारा, हाई कार्बन स्टील के द्वारा बना होता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं, जिसमें कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बार बार जाप को नापने पे इसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान जो बने होते हैं वो मिटते नहीं हैं, इसलिए स्टील रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है जापों को मापने में। इसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे मानक स्टील रूल और स्टैंडर्ड स्टील रूल, कई मापों के बारे में बताएंगे।